टू सैक्रिफाइस, ये मुश्किल चीज है इनिशिएटिव्स के अंदर। यानी कभी कभी इंसान एक लॉन्गर टर्म के लिए अपना शॉर्ट टर्म कुर्बान करता है, यानी एक बड़े प्लेजर के लिए बहुत सारी पेंस उस वक्त लेता है, यानी कभी किसी और के लिए अपना अपने आप को गम और दुख देता है। लाइफ इज टफ, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, अपनी विल के अगेंस्ट जाना इनिशिएटिव है। ऐसा नहीं कि ये तो बड़ा कमजोर आदमी होता है कि वो सैक्रिफाइस, उसको कहता है उसके साथ पैड़ी हो गई, उसके साथ लोगों ने गलत कर दिया, उसके बाद कह रहे नहीं आई कॉम्प्रोमाइज नॉट, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। नहीं, नोइंग दैट इट विल गोइंग टू हर्ट यू, नोइंग दैट इट विल गोइंग टू हार्म यू, जानना इस चीज को कि ये चीज आगे जाके नुकसान दे सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज आज विजन को नीड है, आज मेरे गोल्स को नीड है, आज ये इनिशिएटिव चाहिए, आज इतना फाइनेंस चाहिए, मुझे पता है आगे मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज फिर भी सैक्रिफाइस कर देना क्या हो जाएगा यार। नोइंग दैट यू विल गोइंग टू फेल इन दैट, लेकिन फिर भी लगा दो यार इतने पैसे इसके अंदर, सैक्रिफाइस। इल्म ले लूंगा कोई इसमें, कोई एक्सपीरियंस ले लूंगा इसके अंदर, क्या पता कामयाब हो जाए, लगता तो हो जाएगा। नोइंग दैट दिस, ये बंदा चोरी करेगा दोबारा, ये दोबारा बंदा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करके दोबारा नुकसान देगा मुझे, सैक्रिफाइस। जानते बूझते बहुत टफ होता है ये, बहुत मुश्किल होता है, जानते थे कि सामने वाला फिर बदमाशी करेगा, फिर बेईमानी करेगा, लेकिन फिर उसको चल यार एक और दफा, एक मौका और। वो इसलिए नहीं कि आप आइडियलिज्म के अंदर होते हैं, नहीं, अब ठीक हो जाएगा, एक लेवल आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, आप बोलेंगे लोग कभी ठीक नहीं हो सकते, मुझे खाली अपने आप को एडजस्ट करना है, मैं इतना अडेप्टेबल होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई बोले हाँ जी 90% आपका, 10% बेमानी उसकी, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे जी 80-20 पे खेलेंगे, खेलेंगे जी, यहां तक इंसान बोले 50-50 पे खेलेंगे, खेलेंगे, क्योंकि मैं अपना 50% तबाह होते हुए देख सकता हूँ उस 50% गेन करने के लिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे 50% मैं कहां से बैलेंस करूंगा वो बात का काम है, लेकिन 50% जो तकलीफ होगी, जस्ट बिकॉज अगर मैं ये 50% में लूं मैं तो जीरो पे खड़ा हूं, सैक्रिफाइस मांगता है, वरना रुक जाएगा इंसान। आइडियलिज्म के अंदर रहेंगे नहीं मिलेंगे लोग आपको, आपकी अपनी टीम के अंदर आपको जितना करीब होते हैं आपको वल्नरेबिलिटीज दिख जाती हैं। सैक्रिफाइस वक्फ जनाह का निमा ने तबाह का मेरे मोमिनीन, लोग गलतियां किए जा रहे हैं, लोग गलतियां किए जा रहे हैं और अल्लाह ताला नबी अकरम से अपने कंधों को झुका लीजिए, सैक्रिफाइस, नोइंग दैट पीपल आर नॉट डूइंग गुड टू यू, लोग बेवफाई करेंगे एक लम्हे पे जाके, ये जानते हुए कि वो ऑफिस से जाने के बाद वो टाइम नहीं देगा उस टास्क को, हालांकि वो टास्क मांग रहा था, कल छुट्टी ले लेना यार, अगले हफ्ते इजी हो जाना, दे आज 11 बजे तक का टाइम, 10 बजे तक का टाइम लगा ले आज की नाइट शिफ्ट, खाली ये काम होना चाहिए, जानते हुए कि बेवफाई हो जाएगी, लोग नहीं देंगे फिर भी एक उम्मीद, ये सैक्रिफाइस। सब लोग सवार 3 साल मेहनत करते हैं, बंदा चले जाता है, सैक्रिफाइस। आप इनिशिएटिव क्यों लेंगे किसी की ट्रेनिंग करने के लिए जब आपको वल्नरेबिलिटी हो चले जाएगा छोड़ के, सैक्रिफाइस आप पे है कि आप कितना सैक्रिफाइस करना चाहते हैं उसके मुताबिक इनिशिएटिव लेंगे। कामयाब आदमी सैक्रिफाइस करने के साथ भी इनिशिएटिव लेता है, नोइंग दैट कि 100% डील उसकी नहीं होगी तब भी वो इनिशिएटिव लेगा, बोलेगा नहीं यार आई विल गो फॉर इट, कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, क्या हो जाएगा, इतना कुछ किया है बर्दाश्त कर लूंगा, हाँ तकलीफ होगी ऐसा नहीं है, इतना रॉक सॉलिड नहीं हूं कि मुझे लॉस फील नहीं होगा, मुझे डिफेमेशन फील नहीं होगी, मुझे अपना नुकसान फील नहीं होगा, मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी फील नहीं होगी, फील होगी, आई विल बैलेंस इट आउट विद समथिंग एल्स, मैं किसी और चीज से बैलेंस कर लूंगा, लेकिन इनिशिएटिव लेना नहीं छोड़ूंगा।